हे एवरीवन, मैं अमरेश कुमार, एच पी एस टी टी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बी पी एस सी, ए एस आई, ई एस आई, बी पी एस सी और एन टी पी सी के एग्जाम में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर सेट 3 के प्रश्न के बारे में। इस सेट में टोटल 10 प्रश्न को शामिल किया गया है, जो आपको फुल डिस्कशन के साथ देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 24 मार्च। और इसको डिटेल्स में जानेंगे। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को तपेदिक दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इस बीमारी के बैक्टीरिया की पहचान हुई थी। डॉक्टर रॉबर्ट वेथ ने 24 मार्च 1882 को यह ऐलान किया कि उन्होंने माइक्रो बैक्टीरियम का पता लगा लिया है, जो इंसानों में टीबी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि दुनिया भर में 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी कि विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर को देखेंगे। जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपर फूल प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए आईआईटी मद्रास। इसको जानेंगे। इसका आयोजन देश में हाइपर फूल पाड परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी कनाडा। और इस प्रश्न के बारे में जानेंगे। कोरोना वायरस 19 के कारण कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 खेलों में भाग लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन दोनों देशों ने मांग किया है कि इन खेलों को वर्ष 2021 में आयोजित की जाए। और बता दें कि इस खेल को जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जाना था। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर को देखेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपये के बांड खरीदने का फैसला किया गया है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी 30,000 करोड़ रुपया। थोड़ा इस प्रश्न को देखेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2 किस्तों में 24 मार्च और 30 मार्च को 15,000 करोड़ रुपया लगाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नकदी प्रवाह को बढ़ाएगा। कोरोना वायरस के चलते विश्व भर में अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर को देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गो कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए व्हाट्सअप। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच फैली आशंकाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैट बॉट लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर को देखेंगे। बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद चौथी बार एमपी के कमान संभाली है। वे पहला बार 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के सीएम बने थे और फिर दूसरी बार 12 दिसंबर 2008 को और तीसरी बार 8 दिसंबर 2013 को सीएम पद की शपथ ली। अगला प्रश्न 7 नंबर को देखेंगे। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है? इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 65,000 करोड़ रुपया। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर को देखेंगे। शहीद दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
डी 23 मार्च। और इस प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे, ग्रेज हुकूमत ने 23 मार्च 1931 को मध्य रात्रि को भारत के 300 पोतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। इस बलिदान को याद करने के लिए देश भर में शहीद दिवस मनाया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद के नारा पहली बार भगत सिंह ने ही बोला था। अगला प्रश्न 9 नंबर को देखेंगे, राज्यसभा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर को कितने लाख करोड़ रुपए को हाल ही में मंजूरी दी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1 लाख करोड़ रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर, कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी 26 मार्च। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना था, लेकिन पूरे देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण इसे टालने का फैसला लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।